భాగవతం కి ఇతాయ గౌర ప్రియమానంద అజ్ఞానం తిమిరంధస్య జ్ఞానం జయనం శలాకయ చక్షుర్మిలితం జయనం తస్మై శ్రీ నమః విష్ణు పదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలం శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నమస్తే సరస్వతీ దేవం గౌరవాణీ ప్రచారిణం నిర్విశేషశూన్యవాది పశ్చాత్తదేశతారిణి మంచాకల్పతరుభ్యశ కృపాసింధుభయేవచ పతితానం పావనభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః ఆజానులంబిత భుజో కనకావదాతో సంకీర్తనకై పితరో కమలాయ త్రక్షో విశ్వంబరదిజవరో యుగధర్మపాలో వందే జగత్ప్రియకరు కరుణావతారో కస్తూరితిలకం లలాటపటళి వక్షస్థళే కస్తూషం నాసాగ్రే కరతళి వేణుకరే కంకణం శర్వాంగే హరిచందనం సులలిత కంఠే చ ముక్తావళి గోపస్త్రీ పరివేష్టితం విజయశ్రీ గోపాల చూడామణి నవీన నిరదశామం నిలందే వరలోచనం జశోదానందనోమి కృష్ణ గోపాల రూపిణం లిలుత్పలదల శ్యామం జశోదానందనందనం గోపికా నయనానంద గోపాలం ప్రణమామ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీఅద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది శ్రీగౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ 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 హరే ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీ సరస్వతిం వ్యాసం తతో మోగం కరుతి వాజాల పంగులం హయతే గిరి యత్కృపాతమా వందే శ్రీగురు దినకారిణ శ్రీచైతన్య ఈశ్వర పరమానందమాధవ నమ విష్ణుపాదాయ కృష్ణకృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద ఏక్ అధ్యాయ 13 శ్లోక్ 30
धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, मतलब धृतराष्ट्र इतना मूढ़ है, जो महाभारत में सबसे मूढ़ा जो व्यक्ति है वह है धृतराष्ट्र। दुर्योधन से भी धृतराष्ट्र को कितना ना कौन समझाया, भीष्म समझाए, द्रोणाचार्य समझाए, कृपाचार्य समझाए, विदुर ने समझाए, अंतिम में व्यासदेव ने समझाए, भगवान कृष्ण ने समझाए, फिर भी उनका मति विषय से छूट नहीं पाया। उनका जो कंपेशन है, जो मोह है संसार के प्रति, जो अफेक्शन है, जो ममता है, वो छोटा नहीं है। परंतु जो विदुर ने सुत गोस्वामी से कथा श्रवण करके आपस आए, तब उनको समझाए, तब महाभारत खत्म हो चुका था और महाराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए थे और उनका सारे पुत्र मर चुके थे। सारा भारत का अर्धाधिक लोग मर चुके थे महाभारत युद्ध में। इतना कुछ खोने के बाद भी, और जिसके विरुद्ध में सब कुछ करता था, वो पांडवों का छोटा से बचपन से ही उनका विरुद्ध में करता था ये सारे सब कुछ, और उन्हीं का आश्रय में रह रहा है। तो वही बात को आके विदुर ने समझाया, क्या बाकी रह गया है और क्या देखने को आप चाहते हो। अभी तक कम से कम भगवान का चरण में आपका मन को लगा लो। इस परिप्रेक्ष्य में धृतराष्ट्र को समझाने के बारे में व्यासदेव ने हम सबके लिए ये अध्याय रखे हैं। हम भी कैसे कैसे विषय के प्रति, संसार के प्रति, माया के प्रति, पुत्र के प्रति, धन के प्रति, यश के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, प्रतिपत्ति के प्रति जो आकर्षण है, अंतिम में ये आकर्षण से मिलता क्या है, क्या मिलता है, किसने क्या मिला है, किसको क्या मिला है, इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कितना बड़ा सम्राट था, सब पुत्र का पिता था, और हमारे तो दो चार पुत्र हैं, तो उसको सब कुछ खोने के बाद अंतिम में कहाँ जाना पड़ा, भगवान का चरण कमल। तो अगर आप लोग बुद्धिमान है, व्यासदेव कह रहे हैं जी, आप लोग अगर बुद्धिमान है, पहले ही ना क्यों समझ जाए, पहले से ही ना क्यों भगवान के चरण कमल में आश्रय ले ले, क्योंकि जीवों का आश्रय तो वही है, भगवान का चरण कमल ही जीव का आश्रय है। क्यों? क्योंकि सभी भगवान से ही आए हैं। जो भगवान से ही आए हैं तो उनको भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, अंतिम गति तो वही है। जैसे हम जल चक्र देखते हैं, जल बरसात, बादल होता है, बरसात होता है, पानी गिरता है, समुद्र में खाले डेप में हर जगह पानी भर जाता है, फिर सूर्य किरण होता है, फिर वाष्पीभूत होता है, ये साइक्लोन चल रहा है, ठीक है नहीं? पर ये साइक्लोन क्या है, ये अनित्य है, इसलिए वो चलता रहता है, उसका अंतिम नहीं हो रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है। पर जीव क्या है, जीव शाश्वत नित्य है। क्यों? क्योंकि the living entity is the part and parcel of the supreme personality of Godhead, भगवान श्री कृष्ण की अंशाति अंश है। भगवान कृष्ण कौन है, पूर्ण है, पूर्ण मदम पूर्णम इदम पुण्यात् पुण्यम् पुत्रोत्पद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्ण एव अवशिष्य। तो जो कुछ बच जाता है वो भी पूर्ण है। तो हम ही बच गए, हम ही भगवान से छुटकर आ गए, परंतु फिर भी हम पूर्ण हैं। जेतु हम भगवान के अंश है, इसलिए भगवान के सारे गुण हमारे पास भी है। इस श्लोक में यही प्रतिपन्न किया गया है। भगवान कौन है और जीव कौन है, और जीव क्यों यहाँ आया है, ये जगत क्यों बनाया गया है, और जीव को अंतिम में क्या करना चाहिए। उदाहरण में धृतराष्ट्र लेकर के स्थापन कर रहे हैं व्यासदेव, व्यासदेव सब कुछ करने के बाद अंतिम में ये भागवत रचना की, किसके लिए, जीवों के कल्याण के लिए। तो इसलिए ये धृतराष्ट्र जैसा मूढ़ व्यक्ति को सामने रख करके डिस्प्ले कर करके हमको दिखा रहे हैं। जीव स्वभाव तो डिस्प्ले में आकृष्ट होता है, राइट। कोई सामान में कुछ भी हो और नहीं हो, अगर आलमीरा में सजा के रखा है तो हम चले जाते हैं उसी में, और चलो वो शोरूम में अच्छा था, राइट। तो इसलिए व्यासदेव ने एक डिस्प्ले में रख दिए, देखो कितना मूड है, हा? कितना आसक्त है, कितना मोह में रहा है, परंतु अंतिम में उसको कहा जाना था। ताये श्लोक श्रवण करते हैं। तत् इदं भगवान् राजन् आत्मा आत्मनं सदृकम्। तत् इदं भगवान् राजन् एक आत्मा आत्मनं सदृकम्। अंतरा अनंतरा भाति पश्या तम मायाया अरुद्धाम्। अनंत अंतरा अनंतरम भाति पश्या तम मायाया अरुद्धाम्। तदिदं भगवान्।